आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में किसान खाद न मिलने से परेशान है और मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। छतरपुर के परेशान किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एमपी में नई सरकार बनने के बाद किसानों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। छतरपुर में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड के पास जाम लगाकर नारेबाजी की। जाम की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी तो वह चक्का जाम कर रहे किसानों को समझाने पहुंच गए। आज सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि किसानों ने बस में चक्का जाम किया। मैं मौके पर पहुंचा, करीब 50-60 किसान थे, तो उन्होंने का कहना था कि ये जो विक्रेता है बिना ऑनलाइन किए वो खाद नहीं दे रहे, इससे समस्या उत्पन्न हो रही थी। मैंने मौके पर उप संचालक कृषि से बात की, उन्होंने वहाँ विक्रेता से बताया कि आप बिना ऑनलाइन करें इनको खाद दें, आधार कार्ड या ऋण पुस्तिका किसी जो दो में से कोई एक चीज़ उसके आधार पर खाद दें। दुकान खोल के मैंने तुरंत वितरण कार्ड चालू करा, अब कोई समस्या नहीं है। हरपालपुर में भी एक रेक आ जा गया, विगत 3-4 दिनों तक पर्याप्त खाद रहेगी। किसानों का आरोप है, किसान सहायता केंद्र में खाद होने के बाद भी यहां किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। वह 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें टाल मटोल कर भगा दिया जाता है, जिससे परेशान होकर उन्होंने जाम लगा दिया। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसानों की पासबुक ऑनलाइन नहीं होने के वजह से किसानों को खाद किसान सहायता केंद्र नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने कृषि विभाग से बात कर बिना ऑनलाइन खाद बांटने का निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।